यस हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही फ्रेश न्यू सेशन में। और ये है आज पॉलिटी की क्लास वन। हर एक एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सरकार चाहती है कि आपको कम से कम अपने संविधान के बारे में सारी जानकारी हो, क्योंकि आप अब बनने वाले हैं एक प्रशासन के भाग। तो हर एक चीज़ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तो करते ही हैं हम लोग, लेकिन आज से क्या करेंगे कि छोटे छोटे कंसेप्ट को भी समझेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लोग जल्दी से फटाक से सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और ये तब तक चलेगा आपके साथ जब तक आपका पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। बाकी किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये देखिए, ये पिक्चर है 1946 की। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बैठ के वो बना रहे हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, संविधान। संविधान पूरी की पूरी संविधान बनाई गई जिस पे पूरा देश चलता है। देश का सर्वोच्च स्थान हमारे संविधान को मिला हुआ है। तो आज फर्स्ट क्लास, जैसे कि आपने देखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आज का जो संविधान है वो कैसे बना, इसका पूरा का पूरा इतिहास आज हम लोग जानने वाले हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसके पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, यानी कि संविधान बना, आप जानते हैं कि 200 साल तक हम लोग ब्रिटिश हुकूमत के अंदर रहे, यानी 200 ईयर्स ऑफ स्लेवरी या कॉलोनियलिज्म, हम कॉलोनी रहे। तो पूरी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1947 तक हमको जाना है। और हम सब पूरी कहानी शुरू कब से करने वाले हैं, तो हम शुरू करने वाले हैं 1600 से, ठीक है। और अब हम लोग आएंगे कहाँ पे, सीधे 15 अगस्त 1947। इस बीच में क्या क्या हुआ और किस तरह से संविधान बना, ये आज हमको समझना है। अब क्या हुआ था 1600 में, 1600 में एक रॉयल चार्टर दिया गया था। रॉयल चार्टर जिसमें क्या है, जिसमें बहुत सारा पावर है। किसको दिया गया है ये रॉयल चार्टर जिसमें बहुत सारा पावर है? ये रॉयल चार्टर दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रॉयल चार्टर दिया गया है। एक कंपनी जो कि 31 दिसंबर 1600 में बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको मिल गया रॉयल चार्टर कि तुम जाओ, कहाँ जाना है इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत आना है। और भारत आकर ये अपना कानून खुद बना के, यानी कि ये पावर कैसा पावर है, ये है लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि ये अपना कानून खुद बनाएगी और भारत में क्या करेगी, ट्रेड करेगी। आई थी ये कंपनी किस लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन बाद में भारत के पूरे प्रशासन में इसका बहुत बड़ा पार्ट रहा और धीरे धीरे पूरा प्रशासन इस कंपनी ने चलाया। तो आइए जानते हैं हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल। तो 1631 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, रॉयल चार्टर मिल गया, मोनोपोली मिल गया, यानी कि इकलौता ऐसा कंपनी जिसको पूरा का पूरा देश दिया गया है कि जाओ तुम ट्रेडिंग करो, लेजिस्लेटिव पावर मिल गया, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया, पूरा कानून बनाने का पावर इनके पास अकेले का रहा। समझ में आया यहाँ तक आपको? तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। अब ये किसी कंपनी को इतना बड़ा पावर मिले तो कंपनी तो बेलगाम हो जाएगी, राइट? तो कंपनी बेलगाम हो गई और धीरे धीरे आते आते इन लोगों ने काफ़ी युद्ध लड़े। युद्ध शुरू कहाँ से हुआ, तो पहले इन्होंने क्या किया, देखिए ये पूरा ये है 1600 के समय का, ठीक है। तो ये शुरू कहाँ से किया गया, इन्होंने पहले शुरुआत हुई इनकी एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ये क्या चीज़ का ट्रेड करने आए थे, ये तो ट्रेडर्स थे, ये ट्रेड करने आए थे मसाला का, कॉटन का, इंडिगो का, डाई का, सॉल्ट का, शुगर का, ओपियम, ओपियम यानी कि जिसे नशा किया जाता है, जिसको आप जानते हैं अफीम जिसको कहते हैं। तो इनका तो ये ट्रेड करने आए थे। इस कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स थे, टोटल 24 डायरेक्टर थे। ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको बस क्या करना था, प्रॉफिट कमाना था। लेकिन धीरे धीरे ये सत्ता जमाना शुरू कर दी। इस कंपनी ने क्या किया कि पहले यहाँ पे ये आए कब, 1608 में सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस
ये आए किस चीज पे बैठ के आए, तो ये रेड ड्रैगन पे बैठ के आए। किस चीज पे? रेड ड्रैगन पे बैठ के कैप्टन विलियम हॉकिंस आए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आना शुरू कर दी। अब पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब और कहाँ पे बनाई, तो पहले आप लोग बचपन में सुने होंगे सूरत वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है, मसूलीपट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। मसूलीपट्टनम आज के आंध्र प्रदेश में इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे बनाई? दूसरी फैक्ट्री अगले ही साल सूरत में बनाई गई। फैक्ट्री क्या है? ये एक्चुअली अपने सामान को एक जगह इकट्ठा करते थे। जैसे मान लीजिए कि इनको मसाला का ट्रेडिंग करना है, तो मसालों को ये एक जगह लाके गोदाम जिसको कहते हो तुम लोग, जमा करेंगे और फिर अपने देश से लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे ये फैक्ट्री बनाने लगे। जब इनको फारूक सियार द्वारा फरमान मिला कि अब आप बिना किसी कस्टम ड्यूटी के, यानी कि टैक्स दिए बिना, अब आप क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल और बेलगाम हो गए, और उसके कारण सिराज उद्दौला से इनकी लड़ाई हो गई, जहाँ पे आपने ये सब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, अभी पॉलिटी की तरफ चलते हैं, इसलिए ये सब एज अ स्टोरी बता देते हैं। तो बैटल ऑफ पलासी, सिराज उद्दौला ने 143 ब्रिटिशर्स को एक जगह, 146 ब्रिटिशर्स को एक छोटे से रूम में रख दिया, जिसमें 123 ब्रिटिशर्स मर गए। फिर बैटल ऑफ पलासी हुआ 23 जून 1757 में। बैटल ऑफ पलासी के बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। और फिर इनको मिल गया दीवानी का राइट। अब सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि 1765 में क्या हुआ? ट्रीटी साइन हुई। अब ये ट्रीटी किस चीज की थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में इन्होंने ले लिया किस चीज की राइट? दीवानी की राइट। देखो, अभी तक ये कंपनी क्या कर रही थी और अब ये कंपनी क्या कर रही है? अभी तक ये कंपनी लाती थी पैसा, ठीक है, पैसा इन टर्म्स ऑफ जो गोल्ड के सिक्के होते हैं ना, तो गोल्ड के सिक्के को ये लेकर आती थी, ठीक है। लेकिन अब ये कंपनी क्या कर रही है? गोल्ड के सिक्के को लेके आई, यहाँ से सामान खरीदी, और हमको क्या मिल गया? गोल्ड के सिक्के मिल गए। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी कंपनी आया, पैसा दिया, हमने अपने सामान को दे दिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये दीवानी राइट्स ले रहे हैं, यानी कि जनता से जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो पूरा टैक्स देते हैं, तो रेवेन्यू कलेक्शन ये कंपनी लेने लगी। ओके, यानी कि पैसा जमा अपने ही देश से ये कंपनी करने लगी, हमारे भारत से। तो अब ये जो सामान, जो पहले पैसा देते थे ये लोग हम लोग को, जो गोल्ड कॉइन्स होते थे जिसके तहत ये कुछ कुछ चीज़ें खरीदते थे, अब वो चीज़ तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये हमारा ही पैसा है, ये उसी से अपना सामान खरीद रही है, समझ रहे हो। तो हर कोई क्या हुआ इस कंपनी में, बहुत अमीर होने लगा। जब ये वापस जाते थे ये लोग अपने देश, तो सबको ही को लगता था, अरे वाह, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बहुत पैसा कमाया हुआ है। तो वहाँ के सरकार ने, वहाँ पे जो क्वीन थी या फिर वहाँ का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसने सोचा कि हमने एक कंपनी को अछूट पावर दिया हुआ है, तो अब इस पर क्या करना पड़ेगा? लगाम कसना पड़ेगा। और इसी लगाम को कसने के लिए सबसे पहला जो शुरुआत किया गया, उसको कहा गया, क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके पहले क्या हुआ, क्यों हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? बाकी लोग नहीं आया क्या? बाकी लोग भी आया, पोर्तुगीज को हरा दिया था इस कंपनी ने सवाली के बैटल में, डच को हरा दिया था बेदाड़ा के बैटल में, आखिरी वॉन्डी वॉश के बैटल में। ऐसे तो तीन युद्ध लड़े गए, लेकिन वॉन्डी वॉश के बैटल में इन्होंने फ्रांस को हरा दिया था। तो सबसे स्ट्रांग तो यही कंपनी बन गई। और इस कारण से क्या हुआ कि जहांगीर की नजर इस कंपनी पे आई। जब इन्होंने पोर्तुगीज को हराया सवाली के युद्ध में, तो जहांगीर से बात करने के लिए थॉमस रो आए कि नहीं, आप हमको ट्रेडिंग राइट्स दे दीजिए, हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जहांगीर मान गए, तो इनको ट्रेड करने के लिए मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता दिया गया। लेकिन धीरे धीरे फिर वही, जैसा आप पढ़ें अभी 1757 में बैटल ऑफ पलासी, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और फिर 1765 में इलाहाबाद के ट्रीटी से दीवानी का राइट्स। अब ये कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, स्ट्रांग बाई स्ट्रांग, रोज रोज स्ट्रांग होते गई। अब हम लोग पढ़ते हैं जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इस पूरे सीरीज को, जो ज्योग्राफी की आज पहली क्लास है,
रिलीजियसली फॉलो करते हैं, जैसे कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं उस तरह से फॉलो करते हैं, तो हम आपको एक गारंटी दे देते हैं कि ना कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी अब इसके आज के बाद से, और ना ही कहीं से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज आपके डिस्कस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी ना पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना कहीं से क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस सेशन को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। चलें, बढ़िया। तो सबसे पहले, क्योंकि वहाँ के सरकार ने सोचा कि कंपनी को हमने एकदम अछूट पावर दे दिया है, तो सबसे पहले रेगुलेट करने के लिए, उस पर कुछ ना कुछ मतलब रोक टोक लगाने के लिए क्या किया उन्होंने, रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया। ये रेगुलेटिंग एक्ट किस साल का है, 1773 का है। अब सुनिएगा क्या हुआ। इसके पहले क्या था कि भारत में इन लोगों ने तीन जगह, जैसे कि आप लोगों ने जस्ट अभी देखा मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, तीन जगह ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब इस एक्ट में बोला गया कि नहीं, ये सब बंद करो। तुम कहां कहां ट्रेड कर रहे हो, तुम कलकत्ता में ट्रेड कर रहे हो। कौन बोल रहा है ये सब, ब्रिटिश सत्ता बोल रही है, ब्रिटिश क्राउन बोल रहा है। तुम मद्रास में ट्रेड कर रहे हो, तुम बॉम्बे में ट्रेड कर रहे हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मद्रास और बॉम्बे को सबॉर्डिनेट बनाना है, तो सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा, कलकत्ता। कलकत्ता इनका हेड हो गया, किसका, बॉम्बे का और मद्रास का, ठीक है। ये दोनों इसके नीचे हो गया, अधीन हो गए, सबॉर्डिनेट हो गए, और ये बन गया सबका हेड, ठीक है। पहले तीनों जगह एक एक गवर्नर थे, यहां पे भी गवर्नर, बॉम्बे में मद्रास में गवर्नर, कलकत्ता में गवर्नर, लेकिन अब क्या हुआ, अब बोला गया कि देखिए पहले तो सबॉर्डिनेट बन गया, लेकिन अब गवर्नर तो रहेंगे बॉम्बे में भी और मद्रास में भी, लेकिन बंगाल के गवर्नर चूंकि हेड हैं तो ये क्या बन जाएंगे, गवर्नर जनरल बन जाएंगे। समझ में आया। फिर फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम जैसे कि मैंने बोला कि दुर्ग ये स्टैब्लिश करते थे, फोर्ट स्टैब्लिश करते थे, सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश किए, जल्दी से बताओ, आंध्र प्रदेश में किस जगह पे सबसे पहले फोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। यस गाइस, बोलते रहना है साथ में, बोलते रहना है साथ में। हाँ जी, मसूलीपट्टनम में, गुड। उसके बाद देखिए, इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, किस साल, 1774 में। किस एक्ट में था प्रावधान सुप्रीम कोर्ट का, 1773 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था। कहां पे इसको डाला गया, फोर्ट विलियम में इसको स्टैब्लिश किया गया। फोर्ट विलियम कहां पे था, कलकत्ता में था। सुनिएगा ध्यान से क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है कि सबसे पहले कलकत्ता को हेड बना दिया गया, गवर्नर ऑफ कलकत्ता नहीं रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता रहेंगे, और कलकत्ता के नीचे आ गया बॉम्बे, और कलकत्ता के नीचे आ गया मद्रास, जहां पे गवर्नर गवर्नर ही है अभी, ठीक है। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो सबसे पहले बने, उनका नाम क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। सबसे पहले ये क्या बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब एक तरह का प्राइम मिनिस्टर समझ लो, इसके ही अंदर सब कुछ है, मद्रास भी बॉम्बे भी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया और कहा गया कि अब कंपनी तुम प्राइवेट ट्रेड मत करो, यानी कि तुम्हारे लोग जो अलग अलग ट्रेड करते हैं वो नहीं करेंगे, और तुम घूस नहीं लोगे, ब्राइब नहीं लोगे, क्योंकि सरकार को क्या समझ में आ रहा है कि ये लोग तो आपस में अपने आप पटापट अमीर हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आया। अब अगर हम आपसे यही सवाल इस तरह से पूछे, आपके एग्जाम में आए, तो इसको बताने में क्या दिक्कत है, जल्दी फटाफट आंसर बताना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हिंदी में बताने के लिए हम है ना, पूछा जा रहा है कि सबसे पहली कदम जो कि किसको कंट्रोल करना है, हमको सुनना ध्यान से, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमको कंट्रोल करना है, और ये पहला कदम कौन लेगा, कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, पहला कदम कौन लेगा इसको कंट्रोल करने के लिए,
ब्रिटिश पार्लियामेंट लेगा। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है 1773 का। पहला कदम यही एक्ट है। यही सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है, विच इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? क्या क्या हुआ इस एक्ट में? इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट बना है 1774 में। इस एक्ट में गवर्नर हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने हैं। और इनके अंदर कौन कौन है? इनके अंदर मद्रास है, और कौन है? और बॉम्बे है। और उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है? उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट बना फोर्ट विलियम में, वो किस एक्ट से बना? अब बताइए, यही सवाल पूछता है जो कि आपको परेशान होते हैं। आप बताइए, एकदम क्लियर कट कंसेप्ट हो जाएगा। पॉलिटी से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हां जी, क्या होगा इसका आंसर? फोर्ट विलियम कब बना? कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस एक्ट से बना? और इसी को आप बाद में जाके बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता का। किस एक्ट से बना है फोर्ट विलियम? हां, 1773 के एक्ट से बना है। क्लियर? चलें, अब इसी में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया है, जो कि बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर इनके सबॉर्डिनेट हो गए हैं, ये हेड बन गए। तो सबसे पहले कौन बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये बन गए वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया पूरा क्लियर कट कंसेप्शन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का तीन प्रावधान। पहला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज द सबऑर्डिनेट, मतलब द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे विल बी द सबऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड वॉरेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1774 में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, एक और चीज कहा गया था कि घुसखोरी नहीं करना है, प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करना है। ये लोग थोड़ी बात मानने वाले हैं। फिर आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स यानी कि विलियम पिट, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ब्रिटेन के, 1784 में बोले कि देखो कंपनी, तुम कर रहे हो एकदम अपना मनमाजी काम, अब तुम क्या करो। कंपनी को बोला गया, तुम्हारे जो भी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तुम्हारे जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका एक कमेटी बनाओ। क्या बोला गया कंपनी को? कि उनका तुम एक कमेटी बनाओ, जिसको हम बोलेंगे कोड ऑफ डायरेक्टर्स, और हम यानी कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट कुछ लोगों को भेजेगा, और वो क्या करेंगे, वो बनेंगे तुम्हारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कौन भेज रहा है? ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट भेजा है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट जो है वो देखेगा कौन सा अफेयर्स? वो देखेगा तुम्हारा पॉलिटिकल अफेयर्स। और जो तुम्हारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो तुम काम कर रहे थे, ट्रेडिंग कंपनी है तो अपना ट्रेड का काम करो भाई, तुम क्या करोगे कि कमर्शियल अफेयर्स देखो। ठीक है, तो वाणिज्य अधिकार इनके पास है, और जो प्रशासन है, जो राजनीतिक अधिकार है, वो ब्रिटेन अपने पास ले चुका है, क्राउन अपने पास इस एक्ट से ले चुका है। तो दोनों को अलग किया गया, कमर्शियल पावर को और पॉलिटिकल पावर को। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम? तो अब अगर हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि किस एक्ट के तहत कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को अलग किया गया है, तो क्या होगा आंसर? सब कोई बताइएगा। हाँ ठीक है, तो वही चीज तो यहां पे पूरा कर रहे हैं ना। बताइए किसको मिलेगा ये पावर, अब बताओ। कमर्शियल पावर किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी में किसके पास? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ठीक है, और पॉलिटिकल पावर किसके पास? पॉलिटिकल, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट ने किसको भेजा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजा है। और ये कहा गया है किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। यही पूछा जाता है आपसे, समझ में आया? फिर मान लीजिए अगर ये पूछा जाए, यही उल्टा कर दिए थोड़ा सा, कि इंडियन अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्ट कंट्रोल
किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया, बताइए। अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडियन अफेयर्स, इंडिया का एक वर्ड छूट गया, पॉलिटिकल अफेयर्स कर लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स किसके पास बताएंगे? तो ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट में क्राउन के पास है। क्लियर हो गया यहां तक? चलें, अब आता है अगला एक्ट, 1813 का एक्ट। अब इसमें क्या कहा गया, देखो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो, पुराना चीज। यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में तुम्हारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने एक कंपनी को अधिकार दिया हुआ है, मोनोपोली, शुरू में बताए थे मोनोपोली 17 मतलब जब बना था 1600 में, ठीक है। तो एक कंपनी को तुम अधिकार दे रहे हो कि जाओ जो करना है जितना ट्रेडिंग करना है करो, लेकिन तुम्हारे पास बाकी कंपनी भी तो है, तो तुम बोलोगे मैम इसमें क्या दिक्कत है, बाकी कंपनी यूरोप के बाकी जगह में भी तो कर सकता है ट्रेड, सबको जरूरी थोड़ी है कि इंडिया ही आना है। हो गया ना जरूरी, क्योंकि उस समय नेपोलियन ने कब्जा कर लिया यूरोप पे, तो बाकी कंपनी भी हल्ला करने लगी कि ये तो कोई तरीका नहीं है, नेपोटिज्म कर रहे हैं आप मेरे साथ, कि हमको भी दीजिए ट्रेडिंग का अधिकार, हमको भी जाने दीजिए इंडिया। तो मतलब ब्रिटेन को क्या करना पड़ा, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो खत्म किया, क्या खत्म किया, मोनोपोली खत्म किया। अच्छा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही अब इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया में ट्रेड करेगी। लेकिन कुछ चीज उन लोगों को बोला गया कि चलो छोटा 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 चीज छोड़ देते हैं। एक कि इंडिया में टी चाय का जो ट्रेड है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, और चाइना के साथ जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। इस दोनों चीज को छोड़कर पूरा का पूरा मोनोपोली खत्म कर दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी जगह को कैप्चर करके रखा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी अब नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ब्रिटेन का, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कहलाएगा, पोजेशन उनको मिल गया, समझ रहे हो, पोजेशन वो अपने क्वीन कह रही है कि अब मेरा टेरिटरी वो कहलाएगा, तुम्हारा कंपनी तुम्हारा टेरिटरी नहीं कहलाएगा। तो इंडिया को क्या कहा गया, पोजेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का ये पोजेशन कहा गया। क्लियर यहां तक? साथ ही साथ 1,00,000 रुपए देने की बात की गई, 1,00,000 रुपए की क्या शुरू करना है, इंडिया में जो आपका ब्रिटिश एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन कहो वो शुरू करना। अब यही लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन कह रही है कि अब धीरे धीरे एक एक कदम करके हम, पहले वो सोच चुके हैं कि अब इंडिया को क्या करना है, ब्रिटेन के अंदर लाना है, कंपनी को हटाना है। तो जब क्वीन इतना बड़ा बात सोचेगी तो उसको तो एक पूरा चाहिए ना, पूरा एक लेवल ऑफ पीपल चाहिए, जिसको वो क्लर्कियल क्लास कहेंगी, तो उसको पढ़ाओ लिखाओ ताकि जब क्वीन कुछ ऑर्डर दे तो वो उस बात को समझे माने और इम्प्लीमेंट करे। तो इसीलिए एजुकेशन को शुरू किया गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ? तो अब यहां क्या किया गया, मोनोपोली खत्म की गई, टर्मिनेट किया गया, ठीक है, और ट्रेड ओपन इंडिया को खोला गया बाकी और कंपनीज के लिए भी, यानी ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। तो ब्रिटिश सब्जेक्ट में क्या आया है, कंपनी आया है, समझ में आ रहा है? तो अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच एक्ट टर्मिनेटेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड, तो क्या बताएंगे? एकदम हम चाहते जिसको बोलते हैं चमकना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सब चीज। चलिए देखो मैं आ गया चपेट में भी ऐसी, ठीक है हम कोशिश करेंगे जल्दी कि उसको भी बोर्ड पे ही कर दे। बताओ यार इसमें तो कोई हो गया, ज्यादा मजाक नहीं, ठीक है। साथ ही साथ एक और याद रखिएगा कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई में यूरोपियन ये नेपोलियन मर गया, ठीक है, उसके बाद मतलब नेपोलियन तब तक कब्जा किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अब 20-20 साल पे लोग चार्टर देता था। अब देखिए सेंट हेलेना एक जगह, एक आइलैंड है अफ्रीका में, तो वहीं से ये एक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस था, इसलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 क्या कहा गया,
अब इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, गवर्नर जनरल, गवर्नर याद है वो वाला बात, सबसे पहले क्या हुआ था कि तुम्हारे तीन जगह थे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, तीनों में क्या है, गवर्नर है, यहां पे भी गवर्नर है और यहां पे भी गवर्नर है। लेकिन सबसे पहले 1773 में इसको क्या बना दिए तुम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए, है ना। कब बनाए, 1773 में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को बना दिए सबसे पहले। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम 1833 में इस गवर्नर जनरल को तुम कह रहे हो कि नहीं मैम, इसको ना हमको एक काम कर देते हैं, पहले तो इसको हम इरेज कर देते हैं, हाँ, इसको हम बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहना चाहते हैं, इसको हम पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहना चाहते हैं। पूरा ही पावर इनको दे दिया गया है, पूरा पावर, और ये सबसे पहले मिला विलियम बेंटिक को। सबसे पहले किसको मिला, विलियम बेंटिक को मिला पूरा पावर ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, पूरा इंडिया। क्लियर, यहां तक डाउट समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। देखिए, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे, SSC, DDF, AI, AE, JE, सब एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बाकी भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। तो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब सुनिएगा, सेंट्रलाइजेशन का ये फाइनल स्टेप है। मैम ये क्या कठिन शब्द आप बोल दी, ये क्या बोली आप, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सुनो। अब हम कह रहे हैं कि पूरा पावर एक आदमी को कहां पे, सेंटर, बीचों बीच, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, केंद्रीकरण, यानी एक आदमी के पास पूरा पावर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। ये अच्छा बात नहीं, नो, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी पावर का, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर, सेंटर स्टेट को देगा, स्टेट लोकल बॉडीज को देगा, लोकल बॉडीज, पंचायत, ये सबको हम लोग देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यार तुम एक बात बताओ कि अभी हम क्या करके आए हैं, 1833 में हम क्या कर रहे हैं, चाहे 1773 से लेके 1833 तक हम क्या कर रहे हैं, हम 1773 में कह रहे हैं कि बंगाल को बना दो हेड, मद्रास और बॉम्बे का पावर उसको दे दो, यानी एक को। फिर हम 1833 में क्या कह रहे हैं, अरे ठीक है बंगाल को हेड बनाए, तुम पूरा इंडिया ही का हेड एक आदमी को बना दो। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इस साल तक हम जा रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की ओर। हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि देश तभी चलेगा जब हम पावर को डेलीगेट करेंगे, है ना, जब हम पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे। तो हम अब धीरे धीरे, बाद में पता चलेगा तुमको कि डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, चले। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आप देखिए इसमें कुछ चीजें और है। अब देखो तुम्हारा जन्म हो रहा है किस चीज का, पार्लियामेंट का, अभी एकदम पैदा होने वाला है, ठीक है, ध्यान से रुकिएगा। और वही पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, बाद में पार्लियामेंट बनता है, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम्हारा संविधान बनाएगा, जिसके कारण हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया, ठीक है, एक्ट टू कवे द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, यानी बॉम्बे के पास चाहे मद्रास के पास पावर नहीं बचा। क्यों, क्योंकि कलकत्ता को ही तुम बना दिए ना इंडिया वाला हेड, समझ गए, हाँ। और अब इसमें कमर्शियल बॉडी था ना पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉलिटिकल बॉडी तो वो चला गया,
अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि खत्म कीजिए अपना सब कमर्शियल, बोरिया बिस्तर बांधिए और जाइए घर। तो कमर्शियल बॉडी भी इसको बंद किया गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है पूरा, ठीक है, अभी अभी लगेगा 58 तक आएगा। तो अब ये कमर्शियल बॉडी भी नहीं है, अब ये बस क्या करता है, प्रशासन देखता है, ना पॉलिटिकल ना कमर्शियल, अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। और ब्रिटिश क्राउन ने एक आदमी को भेजा है जो कि लॉ मेंबर है, और ये व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले। बाद में पढ़िएगा कि यही प्रेस के लिए भी जाने जाते हैं, प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडिया इन्हीं के लिए है, ठीक है। अब सुनिए, बस अनाउंसमेंट हुआ है, तुमको वो लुलू पुचो लॉलीपॉप दिया गया है कि ICS इंडियन सिविल, क्या बोलते हैं, सर्विस, ये इंडियन के लिए भी हम लोग खोल देंगे, जिसके लिए सब पूरा मतलब भारत में हल्ला है, IAS बनना, IPS बनना, ये सब होता है ना, तो उसको हम छोड़ देंगे, खोल देंगे। अभी खोला नहीं गया, बस बोला गया, लेकिन बाद में लोग बोले ना 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा करके ख़त्म हो गया, लेकिन आइडिया आ गया है, ठीक है, आइडिया आ गया आपके पास, इसमें समझ में आ गया आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चले बढ़िया। तो अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, पहला सवाल देख रहे हैं, एकदम बच्चा जैसा पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के सवाल जो परीक्षा में आता है वो, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक लग रहा है ना, जिसको समझ में आ रहा है प्लीज वाई लिख दीजिए, जिसको अभी भी थोड़ा भी डाउट है वो एन लिख दीजिए। और प्लीज सबको ये क्लास का बता दो, सबको भेज दो, फ्री का क्लास है, सबको फायदा होना चाहिए, तो जितना लोग को भेज सकते हैं भेज दीजिए, ये तो थोड़ा टॉपिक टफ है, तो इसको हम आज क्लियर ही कर देते हैं। समझ में आ रहा है, पहले वाई लिख दीजिए, हमको भी संतुष्टि हो जाए। रजत लिखे हैं, बड़ा बात है, अचीवमेंट तो यही हो गया मेरे लिए। पूजा ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये तो बच्चा वाला सवाल है, अभी तो पढ़े तो अभी आपके लिए बच्चा वाला सवाल है, वही बाद में पूछेंगे, कल पूछेंगे फिर से, ठीक है। जितना क्वेश्चन आज कराए हैं, कल का सेकंड चैप्टर में पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे, पटापट आंसर चाहिए हमको उसके लिए, ठीक है। चले नेक्स्ट, अब ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है, ये तो आपको पता ही चल गया है कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। ये बताइए फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, देखिए इसको भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में डाले हैं, इसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में डाले हैं, आप ही के लिए डाले हैं, फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, ताकि बाद में आप ये पॉइंट भूल नहीं जाइए, है ना। तो ये भी आपका यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बारे में सवाल है ही, तो फिर बात खत्म। फिर आप देखिए कमर्शियल पावर भी खत्म किया गया है कंपनी का, किस एक्ट के तहत, कमर्शियल पावर किस एक्ट के तहत खत्म किया गया है। हाँ, 1833 के तहत, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं 1853, ओके। अब सुनो, हाँ, तो अब बात आता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, कानून बनाना और कानून इंप्लीमेंट करना, लेजिस्लेटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर को अलग किया गया। अब सुनिएगा, पहले अब देखिए हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। हम पहले, आपने एक आदमी गवर्नर जनरल को पूरा पावर दिया हुआ है, लेकिन आप बोल रहे हैं आप कि नहीं, सुनिए, गवर्नर जनरल का एक काउंसिल बनना चाहिए, यानी कि कुछ लोग होने चाहिए, और कुछ लोग जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे, जो कानून बनाएंगे और जो कानून लागू करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आज हमारा सिस्टम है, देखिएगा किस तरह पैदा हो रहा है, है ना, जैसे बीज पनपता है, प्लांट होता है, उसी तरह पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अभी पैदा हो रहा है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया है, समझ में आया, कानून बनाना और कानून लागू करना। अब इसमें और भी चीज़ें डाली गई हैं, मेंबर्स, देखिए सब नॉमिनेटेड है, अभी कोई इलेक्शन इलेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, नॉमिनेटेड लोग हैं, मतलब ऐसे ही बोला गया, अच्छा उसको ले लो, उसको ले लो, उसको ले लो, वैसे, ठीक है। तो 6 मेंबर डाले गए, कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तुम्हारा पार्लियामेंट का भी बच्चा है ये, ठीक है, अभी ये एकदम छोटा वाला पार्लियामेंट है।
तो 6 आदमी है इसमें. अभी तुम सोचो 550 और 250 ऐसा करते हो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 आदमी हैं, जो कि कहां से आ रहे हैं, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल तो आना ही है, एक आगरा से भी आ रहे हैं, ठीक है. और इसी एक्ट में तुम्हारा यूपीएससी शुरू किया गया. मतलब कि ये क्या किया गया कि इंडियन काउंसिल, इंडियन सिविल सर्विस जो आईसीएस के लोग थे, उसको ओपन कंपटीशन किया गया कि चलिए इंडियन भी अब अपने ही देश में सिविल सर्वेंट बन सकते हैं. क्या हो गया ये, इंडियन भी अब अपने ही देश में क्या बन सकते हैं, सिविल सर्वेंट बन सकते हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो ये इस एक्ट से आया गया. चलो ठीक है, ओपन कर दिया गया आईसीएस का एग्जाम. तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन किस एक्ट में अलग किया गया है, तो कौन सा एक्ट हो जाएगा ये, तो ये एक्ट हो जाएगा आपका 1853 का. फिर अगर पूछा जाए आपसे कि आईसीएस का एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम किसके लिए ओपन किया गया, देखो फर्स्ट क्लास है तो तुमको थोड़ा बच्चा जैसा ट्रीट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं. कल ये क्वेश्चंस करके आना, कल फिर पहले पूछेंगे फिर सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे. हाँ, तो ये वाला भी आपको पता ही, अभी तो 1853 वाला बात, ठीक है. अब देखिए, पूछा जाता है कि इंडियन सिविल सर्विस का, मैम आप इतना बड़ा नाम ले ली तो इसके फाउंडर कौन है. देखो अगर फाउंडर पूछेगा तो तुम बोलना वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन अगर तुमसे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस पूछा जाएगा तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस. क्लियर, अंडरस्टूड, ओके. नेक्स्ट 1858. अब देखो 1858 पढ़ने के पहले यार तुम लोगों को पता है ना क्या हुआ है, इतने तो बच्चे नहीं हो, पता ही होगा 1857 का रिवोल्ट हुआ है. ओके, क्या था रिवोल्ट में, किसके समय हुआ रिवोल्ट, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ. क्या कहेंगे लॉर्ड कैनिंग को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे, ठीक है. ओके, रिवोल्ट हुआ, क्वीन बोली अब तुम्हारा पैकअप ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तुम जाओ घर. अब भारत पर पूरा प्रशासन क्वीन का रहेगा, ब्रिटिश क्राउन. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना, 1608 में सबसे पहले भारत आया, 1773 में आप रेगुलेशन करना शुरू किए, और अब जाकर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पैकअप हुआ है. सोचे 250 साल तक तो ये कंपनी ही चल रहा है ना. एसएससी जेई के बाप के लिए भी एप्लीकेबल है, यूपीएससी का भी परीक्षा दे सकते हो इसको पढ़ के, ठीक है. पूछ रहा है एसएससी जेई के लिए, हो जाएगा. चले नेक्स्ट, मतलब यूपीएससी है ना एसएससी जेई का फादर, सॉरी ज्यादा हम भावनाओं में बह गए, आई एम रियली सॉरी गाइज. चले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का पैकअप, कंपनी खत्म, क्राउन इन इंडिया आ गया, है ना. हाँ, क्राउन बोले कि अपुन ही भगवान है, सही बात. तो अब तुम्हारा जो गवर्नर जनरल है उसका एक अलग नाम है वाइसरॉय, और क्वीन अपने ही एक आदमी को बोली है, और ये आदमी को भी कोई मतलब नहीं, भारत आया ही नहीं, ब्रिटेनी के पार्लियामेंट में बैठ के हम ही लोग के लिए रूल बना रहा है, और वो भी हम लोग के खिलाफ, अलग ही लेवल का है. लाइटनिंग हो रही है, अच्छा. हाँ, तो ये उसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. तो अब हमेशा दो लोग को सुनोगे, मॉर्ले मिंटो. मॉर्ले कौन है, ब्रिटेन में बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, हम लोग के लिए लॉ बना रहा है, वो क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है सीधे. और मिंटो कौन है, क्वीन का ये रिप्रेजेंटेटिव जो कि भारत में. उसी तरह बाद में सुनोगे मॉन्टेग्यो क्लेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यो वहां बैठा है और क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो गवर्नर जनरल नहीं बोलो वॉइसरॉय, ये क्लेम्सफोर्ड है. तो इस तरह से चला, ठीक है. तो कंपनी तो समाप्त, अब इसके बारे में नहीं पढ़ना है, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बन गया, ठीक है. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसका 15 मेंबर भी है, जो तुम्हारा वो 6 मेंबर वाला था ना छोटा सा सीएलसी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, 15 मेंबर कर दिया गया, एक आदमी ये हो गया 16, ठीक है.
अब आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आप समझ ही गए हैं कि कंप्लीट अथॉरिटी जो है वो क्वीन के पास आ गया है, गवर्नर जनरल को हटाकर अब वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया है। तो आखिरी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे, इन्हीं के समय सब भौकाल हुआ और उसके बाद अभी फर्स्ट गवर्नर मतलब वॉइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग थे। अब सुनो, वो जो बना था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल ऑफ सब फलाना ठिकाना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसमें क्लियर एकदम कंसेप्ट एकदम चमक रहा है, बोल रहा उतना हाई लेवल नहीं चाहिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। एकदम सब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो अगर हम पूछेंगे फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है तो क्या बताइएगा, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है तो क्या बताइएगा सबसे पहले, बोलो, एकदम जवाब ही नहीं देते, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। फिर अगर बोलेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे हटाया गया है, आया है पिट्स इंडिया में, हटाया कब गया है, तो हटाया गया है आपका यही जो पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया यहाँ तक। अब सुनिए, अब धीरे धीरे 1861 का टाइम है, देखो साल भी याद रखना जरूरी है कि कब कौन सा आया। अब इसमें बोला गया कि तीन लोग को चुन लीजिए जो कि आपका ये जो मेंबर आप बना रहे हैं ना, नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, जो मेंबर हैं लेकिन मंत्री नहीं है, समझ रहे हो, ऑफिशियल यानी कि जो सरकार का हो गया ना, जैसे अभी भी हम लोग बोलते हैं प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल, तो ऑफिशियल यानी कि जो मेंबर है मंत्री भी, उनके पास पावर भी है, लेकिन नॉन ऑफिशियल ऐसे ही चुन लिया किसी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे वॉइसरॉय का काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें तीन भारत के लोगों को, थ्री इंडियंस को रखा गया है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो तुम्हारा आज का पार्लियामेंट है वो सेंटर में डाला गया है, और प्रोविंसेस स्टेट में तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें तुम्हारा ये बैठता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठता है, ठीक है। चले तो ये सब पूरा देख लो, इंडिया का मैप है इस समय, अभी पूरा तबाही लोग मचा रहे हैं, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल लाल रंग का है, अभी भी प्रिंसली स्टेट जो है पिंक कलर का जाए वहाँ प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ये सब आया। फिर 1861 में तो कौन तीन इंडियन, महाराजा ऑफ पटियाला, अब राजा था इसलिए सेलेक्ट कर लिया गया, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर रॉय नाम है, सर की उपाधि मिली हुई है ना, तो इसको चुना गया। फिर अब देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, तुम्हारा 1833 तक क्या था, 1833 तक, उसके बाद 53, सेंट्रलाइजेशन का लास्ट स्टेप किस आर्टिकल में है, किस एक्ट में है, सेंट्रलाइजेशन का लास्ट स्टेप कहाँ बताए हैं, बताओ, लिखे हैं ना यहाँ पे फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, कहाँ गया, सेंट्रलाइजेशन लिखे हैं, तुम लोगों को कुछ याद भी नहीं रहता है, बहुत सही, इसी में तो था, एक सेकंड, 33 में लिखे हैं, हाँ देखो फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रल, हाँ सेंट्रल तो लिखा हुआ है लेजिस्लेचर, हाँ देखो यहां पे फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन, तो 1833 में हो गया ये, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम 1861 से, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, तो अब चलो 1861 में अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन, समझो 1833 तक हम सेंट्रलाइजेशन कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं विकेंद्रीकरण, 61 में शुरू किए हैं। इसमें और भी चीज आया, पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग दिए, पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या होता है कि रेलवे मंत्री है या फाइनेंस मंत्री है, ये सब जो मंत्री हैं उसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। और सबसे पहले ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के दौरान जो है प्रेसिडेंट अभी भी ऑर्डिनेंस पारित करते हैं, उस समय भी इमरजेंसी के दौरान ऑर्डिनेंस पारित किया गया, ठीक है। तो इसके पोर्टफोलियो सिस्टम के जनक लॉर्ड कैनिंग है, यहीं से इसको शुरू किया गया, समझ में आ रहा है, हाँ
ठीक है, क्यों? क्योंकि बंगाल से आप पावर दे रहे हैं ना, बॉम्बे को भी दे रहे हैं, मद्रास को भी दे रहे हैं, यहां से भी चुन के लोगों को ला रहे हैं, तो आपका विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक, तो अब यही सवाल हम आपसे पूछेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल तुम बना रहे हो, यानी कि विधान परिषद और सभा बना रहे हो, तो ये कहां पे बना रहे हो बताओ? तो ये कहां बनाया जा रहा है जल्दी बताइए, किस आर्टिकल में? तो ये तो पता ही चल गया इस 1861 में। चले ठीक है, अभी तक क्या था कि कोई भी तरह का इलेक्शन नहीं हुआ था, नॉमिनेशन हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ है, और 1909 में जाके तुम्हारा डायरेक्ट इलेक्शन भी शुरू होगा। ठीक है, तो 1892 में क्या शुरू हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ, ठीक है, और तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा और बढ़ाया गया, तुमको पावर मिला, इंडियंस को पावर मिला, किस चीज का, एकदम बेतुका बात था, इंडियंस को पावर मिला कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसी में तो तबाही मचा, देखो 1885 में जस्ट पहले क्या हुआ है, क्या हुआ 1885 में जल्दी बताओ, हिस्ट्री को भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना पड़ता है। 1885 में क्या हुआ है, कांग्रेस बना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या ये लोग करता था कि प्लीज मेरा प्रेयर पिटिशन और थोड़ा सा बोलते थे प्रोटेस्ट करके कि मेरा काम कर दो, कौन करता था, गरम दल, नरम दल करता था, मॉडरेट करते थे, है ना। तो गरम दल वही तो बोले कि तुम लोग तो एकदम इसी में खुश हो गए कि ना ना मिल गया, पावर मिल गया, नॉमिनेशन मिल गया वहाँ पे, ना तुमको पावर वोट करने का, ना तुम बजट में कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, तुम बस डिस्कस कर सकते हो, बैठ सकते हो, है ना। इसीलिए तो गरम दल बोला था कि तुमको कुछ नहीं तुम कर सकते हो, 20 साल का बर्बादी की हो 1885 से लेके 1905 तक, किसको बोला, नरम दल को बोला, समझ में आया। ठीक है, फिर क्या, अभी आपको हम पूछेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेशन जो है वो किस में हुआ, तो तुम तो बोल ही दोगे कि अभी जो पढ़ रहे हैं ये वाला नहीं हुआ, ये वाला हुआ 1892 वाला हुआ। ठीक है, चले ठीक है, अब देखिए 1909 आ गया, अब 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में क्या है कि मॉर्ले तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और मिंटो कौन है, तुम्हारा वॉइसरॉय है। ठीक, अब इसमें तुम्हारा शुरू हुआ सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, पॉपुलर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया गया इंट्रोड्यूसिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट, लोग जिससे खुश होता है उसको आगे रखता है। ठीक है, ओके, तो अब पूछा जाएगा कि इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इतना तो समझ में आ गया, लोग जिससे खुश किया आगे रख दिया गया उसको। फिर आप देखें, अब जो आपका जो पार्लियामेंट है, जिसको जो बच्चा है अभी आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 16 मेंबर था, याद है, एक आपका हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 15 उसके लोग हो गए, तो यहाँ पे कितने लोग थे, 16 लोग थे, अब उसको बढ़ा दिया गया है, 60 कर दिया गया है, 60 1909 में। लेकिन एक खराब चीज जिसके लिए इसको सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है कि मुस्लिम को पृथक निर्वाचन, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम लोगों को, ये अब डिवाइड एंड रूल, बीज बोया गया है हमारे बीच, प्रॉब्लम लाने का बीज बोया गया है इसमें, बीज 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 और बीज अलग है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो इसको जाना जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। ठीक, चले अब एक और चीज याद रखिएगा कि इंडियन फर्स्ट टाइम जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने क्या यार, लेजिस्लेटिव में तो जाके कोई भी बैठ सकता है, जो भी इलेक्शन इलेक्शन जीत गया चला गया बैठ गया, ऑफिशियल मेंबर कब बनेगा, जब उसको मंत्रालय दिया जाएगा, तो जब ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा तो वही तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहते हो ना, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार लॉ मेंबर बने, जो कि पहले इसके पहले कौन, मैकॉले बने था ना लॉ मेंबर, फर्स्ट लॉ मेंबर, अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के ही हैं ये। ठीक है, चले नेक्स्ट, तो ये आपका आप देख रहे हैं मैप, तोड़ फोड़ दिया आपने देश को, कोई बात नहीं, अब तो बदला ले ही लेंगे हम लोग। तो बताओ ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस एक्ट से आया, वेरी इजी क्वेश्चन, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस एक्ट से आया। अच्छा, तुम लोग को मजा नहीं आ रहा है क्या,
एकदम ही कोशिश तो मेरा यही है कि पूरा कंसेप्ट चमक जाए, एकदम कोई डाउट ना हो, सब ठीक है ना, एवरीथिंग इज़ फाइन। बीच बीच में पूछ लेना चाहिए, नहीं तो पता चला कि सब ठीक है। हाँ बताओ, तो मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म किसमें आया? 1909 में। अगर यही पूछा जाएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंपीरियल लेजिस्ट, हाँ ये जो तुम्हारा पार्लियामेंट है, तो देखिए पार्लियामेंट बोलते हैं ना कि आदमी पहले बंदर था, तो पार्लियामेंट पहले क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसके पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। तो अब यहीं से बात शुरू की गई है, तो इसका नाम भी बदल दिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया 1909 में, ठीक है। फिर बोला गया ये सबसे खराब चीज, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव दिया गया मुस्लिम को। हाँ क्रिकेट टीम बदला ले रही है। तो ये जो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ये भी तुम्हारा 1909 में दिया गया, ठीक है, ओके। अब सुनो एकदम ध्यान से, डायार्की, खराब बात। क्यों खराब बात है? सुनो, मान लो कि तुमको हम बोल रहे हैं कि हम एकदम हेड हैं, गवर्नर नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं कि हम वाइसरॉय हैं, ठीक है, हम वाइसरॉय हैं तो सब पावर मेरे पास है। लेकिन हम तुमको फिर बोलें कि अरे कोई बात नहीं बाबू, सुनो तुमको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दे रहे हैं, तुमको हम थोड़ा वोट का अधिकार और ये सब बनाने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी अब हम गड़बड़ काम कर रहे हैं, हम बना दिए एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और हम एक बना दिए रिजर्व सब्जेक्ट। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, वो तो तुम रिजर्व सब्जेक्ट में डाल दिए, डिफेंस, फॉरेन, पैसा, कम्युनिकेशन, फलाना जितना भी, और जो छोटा छोटा चिंटू चीज़ है तुम ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिए। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट माने क्या, कि इसमें ये जो है वो एड एंड एडवाइस ले सकता है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में तुम उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हो, उसको जो करना है करेगा, समझ रहे हो। तो जिस चीज़ को रिजर्व सब्जेक्ट में डाला है तुम उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, क्लियर। तो इस सिस्टम को बोला गया डायआर्की, क्लियर एकदम कंसेप्ट। यानी कि तुम बोल रहे हो कि मैम आपके पास सारा पावर है, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं, आप हमको भी पावर दे रही हैं, लेकिन हम उसमें भी सोचें कि अच्छा हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा लिस्ट बना देते हैं जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो मेरे पास, वो मेरा पूरा रिजर्व है राइट्स, और कुछ ऐसा लिस्ट बना देंगे जिसमें तुम थोड़ा बहुत तू तड़ा कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें तुम हमको एडवाइस लेना है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, और चिंटू चीज डाल दिया इसमें कि ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया मेरा, समझ में आया। इसको कहें डायार्की, ठीक है, तो ये डायार्की आपको समझ में आ गया है ना। और अब डायार्की को सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नेंस को ये लोग इंट्रोड्यूस किए प्रोविंसेस में, अभी सेंटर में नहीं स्टेट में कर रहे हैं, ठीक है, इसमें डाला गया। फिर यहाँ पे यही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये है और वाइसरॉय ये है, ओके क्लियर। फिर आप देखें तो भाई रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो आपका मतलब स्टेट का रहेगा, वाइसरॉय नहीं, गवर्नर ऑफ स्टेट नॉट रिस्पॉन्सिबल, और काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा या फिर आपका जो ट्रांसफर सब्जेक्ट रहेगा उसमें है, उसको एड लेना है मिनिस्टर्स का, समझ रहे हो ना, मतलब कि गवर्नर एक में अपने मन का करेगा जिसको वो रिजर्व बोला, और एक में थोड़ा बहुत दूसरे से एडवाइस ले लेगा, तो उसको बोला कि चलो इसको हम ट्रांसफर सब्जेक्ट में रख देते हैं बस। तो अब 1919 में एक और चीज शुरू हुआ, बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर। तो तुम्हारा जो लोअर हाउस और अपर हाउस है, जिसको राज्यसभा और लोकसभा कहते हो, लोकसभा लोअर हाउस हो गया, राज्यसभा अपर हाउस हो गया, ये भी यहीं से शुरू किया गया 1919 में। साथ ही साथ जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में सिर्फ मुस्लिम को दिया गया, अब वो सिख को दिया जा रहा है, इंडियन क्रिश्चियन को दिया जा रहा है, एंग्लो इंडियंस को दिया जा रहा है, यूरोपियन, मतलब पूरा ही देश को तोड़ने का ये लोग बंदोबस्त कर चुका है 1919 में, ठीक है। फिर क्या किया गया, जो तुम्हारा लोकसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हो, उसमें 140 मेंबर, जिसमें आज 550, और जिसको काउंसिल बोलते हो 60 मेंबर, जिसमें आज 250 मेंबर है। अब यहां से तुम्हारा शुरू हुआ डायरेक्ट इलेक्शन हुआ कि 6 में से 3 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कमांडर इन चीफ को छोड़ के भारतीय रहेगा, और यहीं से तुम्हारा जनरली मतलब खासकर बिहारी लोगों के माथा का दर्द यूपीएससी को इंट्रोड्यूस किया गया 1926 में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो पब्लिक सर्विस कमीशन को 1919 से इंट्रोड्यूस कराया गया,
समझ में आ रहा है? अभी देखो क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा. ये क्या हो रहा है? हाँ, तो ये बताइए ड्यूअल गवर्नेंस डायार्की कहां पे शुरू हुआ? तो ये आपको पता है 1919 में. ठीक है, तो 1919 तक चलेगी ये ड्यूअल गवर्नेंस डायार्की. क्लियर? उसके बाद विच एक्ट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म इन द सेंटर, राज्यसभा और लोकसभा? तो ये भी आपकी 1919 हो गई. ठीक है, अब देखें 1919 में क्या हुआ कि 1919 में बोला गया कि 10 साल बाद एक कमेटी आएगी. इस कमिटी का नाम रखा गया साइमन. लेकिन एक तो 10 साल बाद नहीं आई, पहले ही आ गई, 1928 में ही आ गई. और इस कमिटी में बोला गया कि 1919 में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका चेकअप ये कमिटी करेगी और उसके बाद आगे अपना प्रोसीडिंग देगी. ठीक, गड़बड़ तो था ही ना, डायार्की तुम ले आए, ऊपर से बोल रहे हो कि ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, प्रोविंसेस में डायार्की है, सेंटर में डायार्की का काम करने वाले हो, तो गड़बड़ तो है ही. और उसमें भी बोला गया कि 7 मेंबर रहेंगे और ये 7 मेंबर के मेंबर कौन है? सारे ही ब्रिटिशर्स हैं. हो गया, हो हंगामा, साइमन गो बैक, ये तो जानते ही आप लोग, है ना. इसी में लाला लाजपत राय को लाठी लग गया. लाला लाजपत राय बोलते हुए गए कि मेरे सर पे लगा हुआ एक लाठी तुम्हारे पूरा जो ताबूत होता है, कॉफिन जिसको कहते हैं, जिसमें मरने के बाद लोग जाते हैं, तुम्हारे कॉफिन का लास्ट नेल है, तुम अपने कॉफिन का नेल लगा रहे हो. ठीक है, 1919 के एक्ट में आया यूपीएससी एक्ट एक होता है, और 1926 में जाके उसको स्टैब्लिश किया गया. जैसे समझते हो ना कि एक्ट उस दिन पारित हुआ लेकिन उसके एक साल बाद आके उसको स्टैब्लिश किया गया, वो चीज बोल रहे हैं. यहां तक क्लियर हो गया? चले, उसके बाद आया आपका आखिरी 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि लॉन्गेस्ट है. अब इसमें क्या किया गया सुनना, सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया, बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया, और बर्मा जो कि आज का म्यांमार है उसको इंडिया से अलग किया गया. ये अभी तक का लॉन्गेस्ट प्रावधान है. ओके, यस. तो उसके बाद आप देखें ये पूरा एरिया है अंडर कंट्रोल ऑफ 1947 तक. चले नेक्स्ट, तो यहां पर आप देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन. फिर बोला गया 1935 में कि ठीक है आप एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना लीजिए. अब ऑल इंडिया फेडरेशन का क्या मतलब है कि जितने भी प्रोविंसेस हैं और जितनी भी प्रिंसली स्टेट है सब आपस में आकर एक फेडरेशन बनाएगी और बोलेगी कि हमको क्या चीज़ चाहिए, और ब्रिटिश वही चीज़ प्रोवाइड करेगा. लेकिन ये कभी बना ही नहीं, नेवर बिकेम, क्योंकि प्रिंसली राजा रजवाड़ा थोड़ी चाहेगा कि नहीं मेरा जगह ले लो और उसको पूरा इंडिया बना दो, इंडिपेंडेंस कर दो, उसको तो राजा ही बनना है ना. तो कभी बना ही नहीं ऑल इंडिया फेडरेशन. 1935 के एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन बनना था. ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा आपके संविधान में चीजें जो हैं वो इसी एक्ट से ली गई हैं. और एक्चुअली जो तुम साइमन कमीशन गो बैक बोले हो ना, तो 1919 को चेक करने के लिए तुम्हारा साइमन कमीशन आया, लेकिन साइमन कमीशन जो व्हाइट पेपर दिया था उसी के तर्ज पे तुम्हारा 1935 का एक्ट बना है. तो पूरा का पूरा संविधान इनडायरेक्टली साइमन कमीशन वाले ही व्हाइट पेपर पे बना हुआ है. साइमन कमीशन अपना व्हाइट पेपर देके गया और 1935 का एक्ट इस पे बना, और 1935 से संविधान बना हुआ है. तो जिस पे तुम सबसे ज्यादा हो हल्ला की हो. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब देखें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बात किया गया, यानी कि बोला गया कि डायार्की को खत्म कर दो. ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व लिस्ट वाला बात. रेसिडियरी पावर, यानी कि बाद में अगर कोई पावर आता है, आज के संविधान में रेसिडियरी पावर सेंटर के पास होता है. जैसे कि तुम्हारे पास उस समय बहुत सारा चीज़ है लेकिन स्पेस तो नहीं था उस समय, तो स्पेस को तुम क्या कर दिए, रेसिडियरी पावर में डाल दिए, तो वो सेंटर के पास चला गया. लेकिन उस समय अगर कोई नया पावर बनेगा तो वो गवर्नर जनरल के पास बनेगा. तीन लिस्ट, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट.
तो ये तीन लिस्ट 1935 में ही बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया। उसके बाद बाइकैमरलिज्म, अब सुनिएगा। पहले तो क्या हुआ कि प्रोविंस से डायार्की हटा के ये लोग डाल दिया डायार्की सेंटर में, मतलब वो जो चीज़ अच्छा नहीं था वो इसमें डाल दिया गया। मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट दे चुके हो, क्रिश्चियन को दे चुके हो, सिख को दे चुके हो, बचा कौन? तो विमेन लेबर एससी एसटी को भी अलग दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। बाई कैमरलिज्म शुरू किया गया 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में, यानी कि जो अभी भी है लोक लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद, 11 में से 6 में शुरू किया गया और वो अभी भी है। और वो 6 प्रोविंसेस कौन है? असम, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस। अभी भी यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और अब इस एक्ट से तुम्हारा फेडरल कोर्ट बना दिल्ली में, जिसको तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हो। और काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो काउंसिल वंसल बना हुआ था, उसको ख़त्म किया गया। ठीक है, क्लियर? सब ठीक है ना? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? चले, तो उसके बाद 1935 में आरबीआई एक्ट आया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो बन चुका था, इसमें तुम्हारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना। मान लीजिए कि बिहार और कोई स्टेट है, बंगाल, दोनों को साथ में ही कंडक्ट कराना है, तो उसके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो 1935 से बना ही हुआ है। ठीक है, चले, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। पूछ रहा है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात किस एक्ट में की गई? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात किस एक्ट में की गई? तो 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, किस में था? 1935 में था। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आप स्टेट से तो हटा दिए डायार्की, लेकिन आप सेंटर में डाल दिए डायार्की, किस में किया गया? 1935 में किया गया। उसके बाद फेडरल कोर्ट, कोर्ट किस में बनाया गया? जानते ही आप, 1935 में बनाया गया। एक्ट एबॉलिशन, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को किस एक्ट से हटाया गया? काउंसिल ऑफ इंडिया को, काउंसिल ऑफ इंडिया, समझे? पहले नहीं आता था कि काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से, तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को हटाया गया 1935 में। ठीक है, विच एक्ट डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट? अब सुनो, अब फिर से 1935 मत बोल देना। एक व्यक्ति जिनका नाम था, मार्च 1947 में बोला गया कि या तो इंडिया को तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो या तो छोड़ दो, लीव इंडिया। ये व्यक्ति का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में ये बात बोला गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन क्या किए कि मार्च 1947 के बाद इन्होंने एक कमिटी बनाई, उस कमिटी का नाम था रैडक्लिफ कमिटी। और ये रैडक्लिफ कमिटी बाउंड्री कमीशन था, इन्होंने डिवाइड कर दिया इंडिया और पाकिस्तान को, लाइन खींच दिया। खैर, ऐसे भी इटली अनाउंस कर चुके थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इटली, ये अनाउंस कर दिए थे कि 30 जून 1948 के पहले हम भारत को छोड़ देंगे, हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और माउंटबेटन आ चुके हैं, उन्होंने अपना 3 जून प्लान भी अनाउंस कर दिया है। तो भारत को इंडिपेंडेंट और सोवरेन, खैर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बोला गया। ठीक है, सब कुछ चमक गया ना दिमाग में, एकदम साफ सुथरा? चलें, बढ़िया। अब देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ बनने के पहले, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, और पास होने के बाद उसको एक्ट बोलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लॉ बनने के पहले क्या बोलते हैं आप लोग? तो लॉ बनने के पहले चार्टर, 1830, बिफोर 1833 क्या बोलते थे? रेगुलेशन बोलते थे। ठीक है, रेगुलेशन बोलते थे। और 1833 मतलब कि जो भी रेगुलेशन है वही एक्ट बनता था, बाद में जाके कानून बनता था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट 1772 में सबसे पहले कौन लेकर आया? द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस लेकर कौन आए हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन वॉज हेल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? रिपन ने क्या शुरू किया है जो सबसे पहले लॉर्ड मायो ने शुरू करवाया था? लोकल सेल्फ बॉडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत होना चाहिए। तो लॉर्ड रिपन 1882 के टाइम थे, ठीक है, चले 1882 के टाइम इन्होंने ये शुरू करवाया। रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट, सबसे पहला साल जब रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया 1924 में किया गया। 1926 में यूपीएससी बना है, याद रखना। किस एक्ट से बना है? 1919 के एक्ट से बना है, याद है ना सब। चले बढ़िया, अगला क्वेश्चन कि सेंट्रलाइजेशन की ओर हम लोग कब तक चले हैं? सेंट्रलाइजेशन के ओर हम लोग कब तक चले हैं? तो ऑलमोस्ट 58 तक चले हैं, 1861 से आपका शुरू हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद हम लोग आज़ाद हुए, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। हमको लगता है कि आज फर्स्ट क्लास था, लेकिन धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा संविधान, पूरा ही ठीक है, मतलब पूरा आपका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, सुप्रीम कोर्ट, CGA, CGI, जितना चीज़ है सब पढ़ा दिया जाएगा। टेंशन मत लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, रोज़ 1 बजे क्लास होगा, ठीक है। तो यही था आपका सेशन, होपफुली पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, वरना ऐसा कोई लोड नहीं है, ठीक। थैंक यू फॉर द सेशन। और हाँ, क्वेश्चन वेशन कुछ भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा कंसेप्ट बता दिया गया है। अभी भी कोई डाउट है और लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, और भी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आप इस तरह से अड्डा 24/7 में आ सकते हैं, ठीक है, और अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जा सकते हैं। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, देखो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बार बार क्वेश्चन बनाओगे तो क्या फ़ायदा होगा कि तुमको एकदम रटा जाएगा, याद हो जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो ऑल कोर्सेज में जाना, गेट इंजीनियरिंग एग्जाम में जाना, जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करो उस पर क्लिक करना, जैसे SSC JEE का तैयारी करो, सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरी, तो इस पर क्लिक कर दिए। व्यू ऑफर्स में जाना, व्यू ऑफर्स में ऐसे क्लिक करना, Y 332 और अप्लाई कर देना, तो 2414 में ये बैच मिल जाएगा। तो कोई भी, तुमको जितना भी ज़रूरत है किसी भी कोर्स में, सब यहाँ पे अवेलेबल है, तुमको बस जाना है और इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और बाकी जो जिसको टेस्ट बनाना है उसके लिए हम बता देते हैं, तो ये देखिए आपका महापैक आ गया, एक सेकेंड, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, हाँ देखिए ये आपका प्राइम टेस्ट है, सिविल का है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का है, इसको ज़रूर बनाओ। और हम तुमको एक बात बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट का रिव्यू है, अड्डा के खासकर नॉन टेक वाला पोर्शन, टेक तो आप लोग पूरा कंप्लीट करके एकदम सर्वोत्तम हो जाते हैं, नॉन टेक का पोर्शन एग्जैक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन इस टेस्ट से आता है, ठीक है। तो इसका कोड थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या करना है कि Y332 तो यूज़ करना ही है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ का एक S यूज़ कर देना और अप्लाई कर देना, तो 331 में तुमको ये पूरा टेस्ट मिल जाएगा, 331 में बैठ के बनाओ, बहुत फ़ायदा देगा टेस्ट, एक साल के लिए रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। थैंक यू फॉर द सेशन, मिलते हैं कल 1 बजे क्लास 2 के लिए, थैंक यू।